क्या नाम है आपका? शुभ कुमार। देखिए हमारे छोटे सब्सक्राइबर हैं, हमारा वीडियो देखते हैं। बहुत बढ़िया, स्कूल से आ रहे हैं। किस स्कूल में पढ़ते हैं बताइए? ये मेरी चरखी, ये मेरे दोस्त है ताज भाई, उनकी चरखी है। ताज रिजवी। ये देखिए भोलागंज लखनऊ, बहुत खूबसूरत 3D की चरखियाँ हैं। और ये देखिए, ये भी आपने उन्हीं के लिए बनवाई है। मेरे बहुत खास दोस्त हैं ताज भाई जी, ये उनके लिए मैंने खास से बनवाई है। बहुत अच्छे आदमी वो जी। चलिए अभी हम लोग जिक्र करेंगे उनका। ये जो बनवाया जा रहा है, ये इसकी मोटाई कितनी ज्यादा है, बहुत खूबसूरत चरखी लग रही है। ये जो है ये स्टील है क्या? बहुत बढ़िया खूबसूरत चरखी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेटल है, अच्छा मेटल, मेटल है, ये मेटल पे है। देखिए बहुत ही बढ़िया, ये भी सब मेटल लगा दिया है। चक्का बड़ा जबरदस्त है जी। लोगों के हाथ में छाले पड़ गए तो नहीं पड़ेंगे, वो नहीं पड़ेंगे। चरखियाँ आ गई हैं, फैंसी चरखी में 9 रील। वो 12 रील वाली है, ये 12 रील वाली है, 9 रील ये 9 रील वाली है। तो फाजिल भाई चलिए यहाँ से एक बात शुरुआत करते हैं कि आपके पास जो फैंसी चरखियाँ हैं इसकी शुरुआत किस प्राइस से? 600 रुपए, 500 रुपए, 3D 600 रुपए, जो नॉर्मल है वो 500 रुपए, यानी 500 रुपए से शुरुआत है। और ये जो और कुछ चरखियाँ इसमें और भी कम रेंज वाली भी, 400 वाली वो इस वक्त आएंगी, अब वो आ भी नहीं पाई हैं अभी जी। तो 400, 500 और 3D की शुरुआत है 600 से। और ये जो 9 रील वाली है भाई, इसका रेट आप लोग रख लीजिएगा। तो चलिए ये बढ़िया बात बता दी है, प्राइस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग आइएगा, जुड़िएगा फाजिल भाई से, और बहुत रीजनेबल प्राइस पे मिलेगा। और सबसे ख़ास आर्टिकल हमें ये लगा है यहाँ पे, आज रमज़ान का महीना चल रहा है, रमज़ान के मौके पे बहुत ही खूबसूरत चीज़ आर्टिकल आया है। मंगल सिंह पहले आ चुके हैं आपके आने से पहले जी, हम आपको बता दें। ये देखिए ये सब डाकू मंगल सिंह है, ये सब निकाल ली गई है पहले। निकाल दीजिए आप वो, देखिए आर्टिकल पहले हमारे वीडियो से पहले ही निकल चुके हैं। अच्छा तो ये तौहीद भाई हैं, डाकू मंगल सिंह। और तौहीद भाई की एक चरखी है, देखिए टून की रखी हुई है, ये उनके टून की इससे पहले बन के आई थी जी, बहुत जबरदस्त चरखी है। बाकी तो टून की वैरायटी है, फैंसी चरखियां हैं। और टून जो वो हमें लगता है वही 1500-1700 रुपए में है, कोई अलग प्राइस नहीं है। और जो नया आर्टिकल होंगे आज उससे शुरुआत होगी। चलिए फाजिल भाई जी, तो कोई आर्टिकल पिछला वीडियो मैंने बताया था कि कौन सा है शिकारी नंबर 1 जी जी। अभी हो सकता कुछ देर में इनका माल अभी और आ रहा हो जी, अभी एक ही जगह से आया, एक जगह से भी और आ रहा है। कौन कौन से ब्लॉक आए हैं ये जरूर बताइएगा। मैग्नेट आया है, मैग्नेट है, लच्छी है, शिकारी है, नंबर 1 है, चारों ब्लॉक। अच्छा तो सबसे नीचे वाला एक रह जाता है जो मैदानी ब्लॉक आता है, वो आप ज्यादातर बंदी पे लगा हुआ है, बंद कर दिया है। तो अब लच्छी से ही शुरुआत है, यानी लच्छी से शुरुआत है, लच्छी भी वाली है, लच्छी वाली वाली लच्छी भी है। तो आप यहाँ से कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं? बिल्कुल भाई, मेरी दुकान ही है, तो मेरे भाई की दुकान है, तो मेरी है जी। तो एक चीज जरूर हम जानना चाहेंगे कि क्वालिटी और प्राइस कैसा लगता है आपको? प्राइस भी तो अच्छा है, प्राइस भी सही है, और जोर तो एक नंबर की मिलती है भाई। ये है कौन सा AMR शिकारी नंबर 1 जी, कैसी लग रही है सर? बहुत सुंदर डोर बनी, बहुत प्यारी डोर बनी, ये भी ताजी है जी, ये डोर रखने वाली है 15-20 दिन नंबर कम से कम जी, उसके बाद इतना मजा देती है आप। हाँ ताजी डोरों के लिए थोड़ा सा रख लेंगे तो डोर में जो है जमाव और कांटा थोड़ा उभर जाता है जी, रख के ही लड़ाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे हम लड़ा दें पतंग का मजा नहीं आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि थोड़ा सा पतंग को भी रखना चाहिए और थोड़ा मांझे को भी रखना चाहिए, तो तुरंत ताज़ा नहीं लड़ाना चाहिए। चरखी बहुत प्यारी बनी है जी, चरखी मेरे फाजिल भाई ने हमको दिखाई है और हमको पसंद है, अभी देखते हैं। ये तो फाजिल भाई का जो है, पिछले ब्लॉग में फाजिल भाई आप बता चुके हैं कि मैं उसी समय खोलने का फायदा है
जब कस्टमर बढ़िया बैठे हो और इसके इस तरह के मांजों के कस्टमर हमारे सर हमारे सामने बैठे हुए हैं, और शायद जो जो पसंद आएगा वो वहाँ खजाने में। आप ही मेरे लिए बनके एक टून की चरखी आई थी जी भाई साहब ने अलग रखी, वो आए तो उन्हीं ने भी अलग रखी। यानी कह रहे आप पतंग ना लड़ाइए, आप जानबूझ बन जाइए, कह रहे जानबूझ बन जाइए, लड़ाई कोई आपका असला बिकना चाहिए आपको, ये बनती चलिए। बहुत बढ़िया बात। तो जैसा आप कह रहे हैं कुछ लोग नहीं है, ये वही है सिटिया बाल जसीन खान, जसीन भाई टॉन नंबर वन। तो लगातार कुछ लोग जो हमारे चैनल पे पहली बार होंगे, मैं बता दूं फाजिल काई सेंटर पे इस समय खड़ा हूं। और फाजिल भाई एक बार आप एड्रेस बताइए कहां पे है आपकी शॉप? ये मेडिकल कॉलेज से जो रकाबगंज रोड जा रही है जी, बीच में सामरा हॉस्पिटल पड़ जाएगा जी, उसी के पास से ढाल उतरी डायरेक्ट रोड दिख रहा आपको। तो चलिए जैसे बता दिया, देखिए ये जो ढाल बता रहे हैं फकीर मोहम्मद की कोठी है और उससे सटी हुई ढाल आ रही है। मैं हर बार बताता हूँ वीडियो में, पहले आपकी मुलाकात हमारे राम सिंह भाई से होगी, यहाँ क्षेत्र के पुराने हैं, और उसके बाद आप लोग आ जाएंगे फाजिल काइट सेंटर पर। और ये देखिए जो जसीन खान की डोरे हैं, ये क्या 6 में निकल रहे हैं? हिफाजत हिफाजत निकल रही है, और हिफाजत देख लिए बनवाई भी कौन सी है, 14 डोर है, 6 रील में है। सर खिलाड़ी भाई एक जुड़े हुए हैं, तो आप सर ये बताइए कि जो चौबारा निकला है ये 6 रील वाला, क्या फर्क होता है डोर में चौबारा और 1-2-3? देखिए भारी पतंग लड़ाना पड़ती है जी, हमें लगता है कि जो चौबारा होती है वो भी 1-2-3 पे ही होती है, 1-2-3 पे होती है। और जो चौबारा के बारे में आप हमसे पूछे लोगों को बहुत कम मालूम है। अच्छा ये चौबारा भारी का गेम है भाई, देखिए जी, और उसको कम करके लड़ाया जाता है जी। बहुत दूर जब आगे की पतंग उसकी दूर होगी आपकी कम होगी जी, बल समझ ली चढ़ाना है उस पर, चेहरे पे रखना उसके। अच्छा देखिए उससे जो जोन काटा जाता है, जहाँ कोरिया ही पड़ जाएगा चौबारा से, और चौबारा एक ऐसी चीज है भाई, फंसता है जो मोटा चौबारा होता है, चौबारा होता है फंसता है जब भी कड़ी आता है, चौबारा खींच के बहुत बढ़िया। तो ज्यादातर कोशिश ये हर आदमी के लिए जो है, तो चौबारा को लड़ाना कैसे चाहिए, खींच के या फंसा के? वो झटके से लड़ता है, झटके वाला। कैसी बनी उस्ताद, बहुत उम्दा बनी, कैसी डोरे बना रहे, बहुत जबरदस्त, बहुत उम्दा डोर भाई। तो डोर नंबर वन देखी जा रही है भाई, आप भी देख लीजिए एक बार डोर, और थोड़ा सा बताइए कि किस तरह का कांटा लगाया है। सर से तो हम जानकारी लेते रहेंगे, सर तो अनुभवी हैं। हमने क्या कहा था सिटियाबाज नहीं है, देखिए सिटियाबाज ले कलर। जितने हमारे कुछ फैंस फॉलोअर हैं जो लोग कलर पसंद करते हैं, तो आप लोगों के लिए अब कलर में डोरे आ रही हैं, और बहुत खूबसूरत खूबसूरत डोरे आ रही हैं। अलग अलग खिलाड़ी अलग अलग पसंद है, देखिए जैसे भाई हमारे क्या नाम है आपका बताइए, सनी भाई हैं, और वो हरे से ज्यादा लाल पसंद कर रहे हैं, इसकी डोर ये ज्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन किसी को ये ढर्रा पसंद आएगा, थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है, जिस तरह का पेज लड़ाते हैं उस तरह का ढर्रा आप लोग पसंद करिए। और वो देखिए वो लाल वाली चरखी चली गई है, टाटा हो गया उसका। आपने हरी ना लेके लाल क्यों ली? उस डोर में बहुत फर्क है जी भाई, आदमी की चॉइस की बात है। हाँ देखिए इसका काटा देखिए, उसका काटा देखिए जी, इसका मुंह खुला हुआ है जी, इसका मुंह एकदम बंद है, अभी खुलेगा जो वो पुरानी डोर होगी वो और उसमें खुलेगी। अनुभवी इसीलिए मैं कहता हूँ, जो उस्ताद हो पुराने उनसे कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखना चाहिए। डोर में कमी नहीं है जी, बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन इसका थोड़ा सा मुंह खुला है और उसका थोड़ा सा इससे बंद है, तो इसलिए आपने वो लाल वाली पसंद की है, कलर ये अच्छा लग रहा है। चलिए अभी हमको फाजिल भाई प्राइस भी बता देंगे सबका। भाई इनका तो रेट भाई पुराना वाला 2300 रुपए, इनका रेट नहीं बदलेगा, डॉन नंबर वन है 2300 रुपए जी, वह पुराना रेट है। बाकी मेरे किए हैं वसीम कसार भाई, वसीम कसार जी, इनका माल आया था इससे पहले, अच्छा। दो ही चरखियां आई थी तो हमने इसी में रखवा ली थी, हमने कहा बेकार अलग से पैकेट बनवाएंगे जी, और ये मेरे दुकान के रेगुलर। अच्छा ड्रैगन टू किसकी डोर अच्छी आ रही है बताइए आप, किसकी ड्रैगन
तो चलिए पीछे वाई फैन है और डबन जो खुल रही है उसके बारे में बता रहे हैं कि डोर अच्छी आ रही है, बना रहे हैं बढ़िया गंडे वाली डोर बनाई गई है जी। अंडे नहीं गंडे, अंडे कहते हैं गंडे कहते हैं नहीं अंडा में तो ये होता था सफेद डोर अंडे वाली डोर अंडे वाली डोर वो बहुत अच्छी डोर है। डोर का मामला वैसा हो गया है भाई, नई लुद्दी बड़ोर हो रही है जी, एक नंबर की डोर आई है। लोग पुरानी लुद्दी बड़ोर बना देते हैं, उनका काम खत्म है। बात नहीं बादल भाई, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा भाई, मेहनत करेंगे तो किसी को पता उसमें फर्क 200 रुपए का फर्क आ रहा है पुरानी लुद्दी में, नई लुद्दी में। लेकिन नहीं बता आदमी, बहुत लोगों को बात नहीं पता जी जी, नई लुद्दी बड़ोर बहुत अच्छी बनती है। लेकिन मेहनत करिएगा तो फल मिलेगा, वरना फिलहाल होने में टाइम नहीं लगता। पहले समझिए भाई, जरा सा भी आपकी डोर बिगड़ी, आपका काम बिगड़ा या मेरा काम बिगड़ा है किसी का भी, तो फौरन समझिए फ्लॉप। और दोबारा उठने में आपने देख लिया कितना टाइम लगता है, अभी आपके सामने प्रूफ है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, और काफी इस समय हसीन भाई लल्ला भाई भी काफी मेहनत चल रही है उनकी डोरों में। और ये मेरी हिफाजत, ये देखिए लच्छी बन के आई है, ये है लच्छी जी, ये दोबारा नहीं, ये लच्छी की डोरी है, इसमें कोई केमिकल नहीं, ये धुली भी ओरिजिनल लच्छी है। तो खोल के दिखा नहीं सकते? ये बिल्कुल खोल सकते हैं, खोल के दिखाइए। ये तो स्कोर बचाने के लिए रखे आदमी लेकर ले, तो ये किसी को ऑर्डर की थी। बाकी तो सब केमिकल पे है डोरे या नहीं है? ये कोई केमिकल मेरी डोर नहीं है, ये सब कोई डोर केमिकल नहीं है, केमिकल नहीं है। देखिए ये ओरिजिनल धुली लच्छी, इसकी कीमत 6 की भी पूछ लिएगा हमसे। हाँ तो बिल्कुल फाजिल भाई, बिल्कुल बताइएगा 6 की रील की कीमत। पहले डोर देखने दिए भाई को, ये 6 की चरखी भाई मेरे वहाँ जो है 1600 रुपए की है। 6 की, 6 की ये दोनों चरखियाँ मिला के 3200 रुपए की है। 1600 रुपए प्राइस बता दिया गया है, ओरिजिनल अच्छी है, धुला मांझा है भाई, इसको रखने से गड़बड़ तो नहीं होगी? कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो गड़बड़ हो गई है? मेरी वापसी बस ठीक, 5 साल के बाद वापसी ठीक, बिना केमिकल की डोर है। 5 साल की वापसी, 5 साल बाद वापसी। अगर डोर में जैसे आपको ये लगे कि केमिकल है गड़बड़ी है, चिटकनी होगी वापिस दे रहे थे भाई। लेकिन एक बात बताए, मालिक का एहसान है अगर वापिस हम सब डोरे ले रहे हैं। लेकिन आज भी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह एक डोर की चरखी खाली नहीं मिली, देखिए सब नियत, ये हम सब मालिक का एहसान है। जो देखिए सच्चाई वाली बात ही है, वरना जिस तरीके से हम डोर वापसी ले रहे थे, मेरे पास डोर रखने की जगह ना होती, वापसी सब आ रही होती भाई। चीज चल रही है, जब भी तो चल रही है। 3200 रुपए में ओरिजिनल लच्छी 6 रील की, 6 रील और ये जसीन खान की 1600 रुपए। हाँ 1600 रुपए में 6 रील, 3200 रुपए का बंडल है, 3200 का जी। इतना उठाओ भाई, पहले रोक नहीं रही है, छल्ला नहीं रोक रहा। अभी हम लोग जो है थोड़ा लच्छी पे भी चर्चा करेंगे और सर से जानकारी लेंगे कि लच्छी में, और जैसे अभी हमने पूछा था वो जो है कौन सी डोर थी, चौबारा, तो और लच्छी में क्या लगता है सर के जैसे जो नॉर्मल डोर और लच्छी में क्या फर्क रहता है? भाई लच्छी की तो बात ही अलग है, देखिए उसका लगाने का मजा ही अलग है, घाव नहीं खाएगी, चटकेगी नहीं। अच्छा घाव नहीं लेगी लच्छी? और एक लच्छी की पहचान ही यही है, घाव नहीं लेगी, टूटेगी नहीं काटने के बाद। अच्छा देखिए लच्छी है, इसमें अगर कोई कारीगर बना नहीं सकता, लच्छी काम है, 4 दिन के कम से कम तैयार हो। अच्छा भैया खैर काम की बात होती रहेगी, तीसरा इनबॉक्स करना चालू कर दूँ। उसमें कोई ऐसा है जिसका आपने प्राइस नहीं बताया हमको? भाई मैंने सबका बता दिया है जी, तो नंबर वन मेरे फिक्स है, 2300 रुपए है इनका, वसीम दस्तार का 2200 रुपए है, 2200 रुपए हो गया इनका, जो 1800 रुपए अगर फैंसी चरखी पे होगा तो 1900 रुपए, नहीं तो 1800 रुपए में ड्रैगन 2 मिल जाएगा। उधर सारे रेट खुले हुए हैं, वो जो 2000 की लच्छी मिलेगी आपको और 2400 का मैग्नेट है, और ऊपर जो प्राइस होंगे वो आप लोग फाजिल भाई से दोनों के पूछ लीजिए। देखिए उनका रेट भी अभी पूरा अधूरा रह गया था जी, देखिए लच्छी इनकी 2000 रुपए की जी, मैग्नेट 2400 रुपए की है, और नंबर वन 2600 रुपए की है, और शिकारी नंबर वन जो है वो 2900 रुपए की है। 100 रुपए बढ़ा दिया आपने, 2900 की चली रही है, 100 रुपए भाई देखा जाए तो मार्केट से घटा दी है, की बिक रही है हमें तो मालूम है बिक रही है। तो हमने ये बात पिछली बार भी कही थी
कि और लोगों का जो टॉप लॉक है वो 3300 रुपए के आसपास है। रेट किसी चीज में मेरा बढ़ा नहीं है अभी तक। और यहाँ पे पिछली बार आपको छोड़ा था वहीं पे। पहले तो आप ये बताइए भैया आप थे कहाँ, हम लोग को छोड़ के कहाँ चले जाते हैं चार पाँच दिन हम थोड़ा सा बाहर थे, शहर में थे ही नहीं यहाँ पे, और इसी वजह से फाजिल भाई के ब्लॉग भी नहीं आए। और ये कोई हमें लग रहा है नए मेकर आ गए हैं। नहीं नहीं भाई, छतों के लिए कुछ चाहिए नहीं चाहिए, उनका भाई है ये मेरे रफ्तार भाई, जो अभी आपसे मुलाकात हुई थी उनकी चरखी है, इनको तो आप अलग हटाइए रफ्तार भाई को। सैम अख्तर क्लासिक, कुछ चरखी भी नहीं लग रही है और कुछ ऑर्डर की चरखी। अच्छा, ऑर्डर की चरखी हम अलग रखते रहेंगे। ये क्या है, ये क्या नाम? उनका नया ब्लॉग उन्होंने खोला अग्नि फायर। किसने? सैम ने। क्लासिक ही है। अच्छा, ये क्लासिक ही है सब? क्लासिक है। अच्छा, जोहान रजा लिखा है फायर के नाम से है, द फायर, क्योंकि कह रहे थे एक ही चरखी बन पाएगी, इस वक्त ज्यादा हो नहीं पाएगी जी। उन्हीं ने नया ब्लॉग बनाया अपना, आ रहे भाई धीरे धीरे जी, अपनी जगह भाई 33 बना रहे जगह। ये बढ़िया आपने बताया, सारे मेकर धीरे धीरे जो है एक नया रैपर और एक नए ब्लॉग के साथ 3300 रुपए में आ जाएंगे। काली कलर जी, और जो नहीं आ रहा है अच्छी बात है, इनका नया ब्लॉग देखना तो पड़ेगा ही हमें, 3300 का हो या 2500 का हो, लेकिन अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग प्राइस जो है डोर अच्छी होनी चाहिए बस। लेकिन डोर को देखते हुए पैसे कुछ भी हो अभी, लेकिन डोर बहुत अच्छी बनी है अभी, पैसे देख के आपको भी नहीं मालूम, मैं भी नहीं मालूम अभी। चलिए द फायर के नाम से है डोर, और डोर लेकिन बनी है एक नंबर। खिलाड़ी बताएंगे सबके कैसी डोरें लग रही हैं। तो कैसी लग रही है सर, ये बताइए डोर। सर की डोर देखी आपने, आपको पसंद है, आप सर की चरखी भी देख लिए निकल आई है। अभी जब हम निकालेंगे, जब आप इनको याद आएगा कि इनकी चरखी और कलर भी हमने जो चरखी, एक बार चरखी दिखाइए इधर से जी। क्या बढ़िया ताजमहल खूबसूरत बना हुआ, बहुत ही खूबसूरत चरखी है। कह रहे खोलिएगा नहीं, ये तो सबसे पहले एक बार सर डोर तो मेरी नहीं भाई, एक बार खुलेगी भैया, लेकिन ये तो खुलेगी, ये तो सर दिखे के आसमानी कलर बना हुआ, हल्का लाइट ब्लू टाइप का कलर तो जरूर देखना चाहिए कि जी। वो खैर कुछ से कोई मतलब नहीं, लेकिन साबुन जो है रंग रंग बिरंगी सब खुलेंगे जरूर। ये देखिए भैया, अब एक साहब से पूछे डोर बनी कैसी, उनको ये दिखा दे। पहले हमको ये बता दिए ये कलर का क्या नाम है, किस क्या कलर कहेंगे इसको? ये ब्लू टाइप में आता, आसमानी ब्लू जो कहते जिसको। ये फिरोजी नहीं है क्या? फिरोजी नहीं है, सुंदर कलर है, लेकिन जो भी है और वैसी ही बेहतरीन चरखी में है। और सनी भाई बताएंगे चरखी बदल गई है, हमें लग रही है आप दूसरी चरखी ले, बहुत शानदार डोर बना रहे हैं। सैम अख्तर भाई का जो है काम ही बहुत अच्छा है। तो ये जो क्लासिक है ये कितने की मिलेगी किसी को? 2500 रुपए का इनका प्राइस खुला है। और पिछला ब्लॉक अगर आप लोग देखेंगे तो वीएम लखनऊ काइट की चरखी पे भी क्लासिक की ही डोर भरी हुई थी 2500 रुपए में जी। ये देखिए कुछ मेरे दोस्त हैं, उन लोग की भी चरखियां हैं। ये किसकी है? मेरे एक जानने वाले उनकी चरखी है, ये गजाली भाई। गजाली है। अच्छा, गजाली भाई है लखनऊ के ही। चलिए इनकी भी चरखियां अलग हटाते रहे। हमको जो एक फायर निकला था उसका प्राइस आप बता, अगर पता चले तो बता दीजिएगा। अरे आप जो रख दिए फिर क्या किया जाए, अभी तक हमें नहीं मान लो। अच्छा, मेरी इनसे 3 दिन पहले बात हुई थी जी, हमने भैया इतनी इतनी चरखियां रहेंगी, कहने लगे का फायर नहीं बन पाएगा। हमने कहा ठीक है, एक हाथ तो डालिएगा दुकान पे सैंपल के लिए, बाकी जो सामान आया सबका रेट मान लूंगा। अच्छा, देखिए छोटे छोटे जो है सब पतंग के शौकीन जो है यहाँ खड़े, स्कूल से छूट के सीधे यहीं आ रहे हैं। ये मेरे तौहीद भाई की जो डोरे हैं जी, उनकी एक चरखी देखे बन के आई है। अरे तौहीद भाई आ गए, तौहीद भाई आ गए, खुलेंगे ये भी, छोड़ा इनको भी नहीं जाएगा, खोल के रख लेंगे तो जी रहेंगे। फिलहाल आप लोग अपनी चरखियां भी देख के डोर बनवा रहे। गुड, कलर देखिए एक से एक बना रहे। ये सबसे अच्छी बात है, हमें काला देखने को नहीं मिल रहा है इस समय। अब काला बहुत कम देखा भैया, थोड़ा सा हम भी गोरा होना चाह रहे भाई।
क्या खूबसूरत चरखी है तौहीद भाई की भी, और वैसे ही बढ़िया कलर लगा हुआ है। और बाकी ये उनका नॉर्मली ब्लॉग जी, ये देखिए हर्ष रजा के नाम, हर्ष रजा के नाम से। कर ज्यादा टाइम नहीं क्योंकि ठीक है, इसको हमको प्राइस बता दिए कितने का मिलेगा। प्राइस 1700 रुपए। तो 12 रील के बंडल है 1700 रुपए के, 1 2 3 तागे पे 1700 रुपए, बिल्कुल फिक्स प्राइस। बहुत बढ़िया, जैसा यहाँ पे देखिए महंगी डोरे हैं, शूरवीर है, योद्धा है, शिकारी नंबर वन है, क्लासिक है। ये भी मैं खोलूंगा, ये भी किसी के ऑर्डर की चरखी है। वैसे ही कम प्राइस में भी जो 1 2 3 के अर्श रजा, और वही मेकर है 1700 रुपए में। एक और वैसे ही कलर है लेकिन उससे थोड़ा सा हल्का है। आप किनारे आ जाइए, बात आपसे बात होगी, टाइम रहता है कम। देखिए भैया ब्लॉक है ये सारे 1700 रुपए का ब्लॉक। इधर सर की अच्छा बात कह रहे हैं, इनकी एक चरखी नहीं बन के आ पाई, अपकिल भी नहीं आई। मेहमान थे जिसको देना थी मेरे बहुत खास, जी चलिए नेक्स्ट टाइम चाहिए। ऊपर वाले की मर्जी थी, भाई एक बात बता रहा, थोड़ा रमजान भी चल रहा है तो थोड़ी सी आदमी अपने हाथी से बनाता है। हाँ, से नहीं बनता। सही कह रहे हैं, इस समय थोड़ा सा मुश्किल रहता है समय। अब सबसे मेन चीज सुनिए, मेरी दुकान का पैटर्न आइटम जो है सोनू 11 स्टार जी, उसकी डोर नहीं आई, अब बताइए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, शौक भी कम होता है इस समय, लेकिन आप स्टॉक मंगा रहे हैं यही सबसे अच्छी बात है इस समय, क्योंकि बहुत जगह स्टॉक नहीं आ पा रहा है। एक जो पिछले ब्लॉग में भी आपने देखा था जी, व्हाइट टाइगर जी। हाँ पिछली बार आपने हमको दिखाया था जी, आप सबने कुछ कहा था कि नेक्स्ट टाइम। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपने प्राइस नहीं बताया था। प्राइस नहीं बताया था। व्हाइट टाइगर जो है बंडल इसके भी निकल रहे हैं 12 के, और हिफाजत आपकी इनके ज्यादा है, डोर इनकी अच्छी आई है। अब अभी खोल के देखते हैं, अभी पहले थोड़ा अभी एक चरखी हमको दिखाइएगा कि व्हाइट टाइगर में जो है लिखा बहुत ज्यादा है इन्होंने कागज पे। एक चरखी ऐसे दिखाइए जरा सा, उठा पकड़ा दिए, और ये क्या लिखा है इन्होंने इतना ज्यादा, सब सारी चरखियों पे अभी जी थोड़ा सा कम लिखे, ज्यादा लिखने से यहाँ कोई पढ़ेगा नहीं। हमें नहीं लगता कि कोई इतना पढ़ेगा, जो पतंग वाले हैं वो इसको रैपर निकाल के फेंक देंगे, इसलिए इतना लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई बताइए आप, इतना पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं। जो पतंग शौकीन होते हैं वो चरखी ले जाते हैं तुरंत, और हो जाए तो अपने ही रैपर चढ़ा देते हैं ना। हाँ सही कह रही है, रैपर भी हट जाता है और वो अपना रैपर चढ़ जाता है उस पर। वो एक कलर अच्छा है नीचे वाला, देखिए जरा सा ये वाला खोलिए कलर। हाँ ये वाला जी, और व्हाइट टाइगर एक हमने ये कलर खुलवाए दे रहे हैं तो एक कलर इनका, ये देखिए ये बढ़िया कलर है बहुत है। ये ब्लू भी हमने सोचा था, अच्छा तक ब्लू नहीं खुला है, क्या बेहतरीन कलर में डोरे हैं। फाजिल भाई जी, आज प्राइस पता चलेगा इसका? बिल्कुल पता चलेगा। अंदर भी देखिए काफी ये मेहनत कर रहे हैं, लिखने में बहुत मेहनत कर रहे हैं ये, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं ये भाई, थोड़ा कम पढ़े, सारी पढ़ाई इस पे ना करिए, हम लोगों को ये बढ़िया बता रहे फाजिल भाई कि हम लोग का टाइम वेस्ट ना करें भाई, इतना पढ़ने के लिए तो बहुत समय चाहिए और समय आप लोग जानते नहीं है मेरे पास। तो फाजिल भाई कलर भी बढ़िया है, और डोर तो हमें अभी सर बता देंगे कि डोर की अब आप पहले बताइए, नई डोर खुली है इसका क्या है मामला? थोड़ा सा और करीब से बहुत अच्छी लग रही है डोर, सही कह रहे हैं, क्या बेहतरीन काम है डोर में। और सर भी बता रहे हैं कि डोर काफ़ी अच्छा काम किया गया है, डोर पे मेहनत की गई है। तो अब फाजिल भाई अगर प्राइस हमको बता दिए तो और थोड़ा मज़ा आएगा कि पता चलेगा कि डोर कैसी लग रही है फिर। देखिए इनका इसमें दो मेल का माल है जी, ये चरखी आपकी पड़ेगी 1900 रुपये। अच्छा पहले तो पैसे बताइए, पैसे के हिसाब से डोर डोर बहुत अच्छी है, और पहली बार है आपके पास? जी 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 पहली बार है इनका। इस चरखी पे जो डोर होगी जी जी, कलर को अभी कलर से कोई कलर से नहीं मतलब है, ये आपकी पड़ेगी 1800 रुपए की, 100 रुपए का फर्क है। ये ऊंचा ब्लॉक, ये थोड़ा सा ऊंचा ब्लॉक,
ये देखिए 100 रुपए इतना लिखा है इसलिए उन्होंने 100 रुपए बढ़ा दिए हैं। तो सर मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इतना ना लिखे और 100 रुपए कम कर दे तो ज्यादा बेहतर है। ज्यादा ना लिखे लिखने में हम लोगों, और बहुत सुंदर सुंदर कलर में मांझे हैं। देखिए रेड कलर बहुत बेहतरीन लगा है और इसी में ब्लू कलर भी बहुत बेहतरीन लगा है। और ये सब जो हम बातें हम लोग कर रहे हैं ये सब हम लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, इसलिए प्लीज आप माइंड मत करिएगा जो भी मेकर हो इसके। भाई एक के तो बल देख लिए, दूसरे के भी तो देखिए खुले में है कि नहीं खुले, पता तो चले। और काम अच्छा करेंगे तो नाम होगा। मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग कम प्राइस में कोशिश करिए, जितने भी माजा मेकर हो बढ़िया। जैसे अभी इसका प्राइस बताया है 1800 रुपए जी, 1800 रुपए। और ये जो बीकानेरी पे जो है 1900 रुपए। ये थोड़ा सा बिल्कुल नया कलर खोला है इन्होंने जी। कोई बात नहीं, हम दो और ऐसे दिखा देंगे करीब से।